सुपर फास्ट सिनेमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक थ्रिलर फिल्म जस्ट ए ब्रेथ अवे के बारे में बताऊंगा। एक भूकंप के बाद पूरे शहर की पावर सप्लाई बंद हो गई है और जमीन से जहरीली गैस बाहर निकलने लगी है। जो भी उसमें फंसकर सांस ले रहा है उसकी मौत तुरंत हो रही है। लोग बचने के लिए भागने लगे हैं। वो गैस अब घरों के अंदर जाने लगी है। मैथ्यू अपने घर पहुंचकर इस चीज के बारे में अपनी बीवी एना को बताता है। वो दोनों बचने के लिए छत की ओर चले जाते हैं और एक दरवाजे पर नॉक करते हैं। वो घर एक बुजुर्ग दंपत्ति का है और उन्हें इस चीज के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। बालकनी से वो देखते हैं कि रास्ते उस गैस से भर गए हैं। मैथ्यू बिल्डिंग पर चढ़ता है और देखता है कि पूरा शहर उस गैस से भरा है। मैथ्यू सीढ़ियों के पास जाता है और उस गैस को छूता है। उससे कोई बदबू नहीं आ रही है। वो दोनों यहाँ कुछ देर के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी बेटी दूसरे मंजिल पर है। उसको एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से वो सिर्फ साफ हवा में रह सकती है, इसलिए वो एक कैप्सूल में रहती है जहाँ हवा फिल्टर हुआ करती है। पावर सप्लाई के बंद होने से कैप्सूल अब बैटरी पर चल रही है और कुछ घंटों बाद बैटरी को बदलना पड़ेगा। लेकिन मैथ्यू को यहाँ से उस मंजिल पर जाने 4 मिनट लगेंगे और इतनी देर तक उसको अपनी सांस रोक पाना असंभव है। तभी मैथ्यू को याद आता है कि 5वीं मंजिल पर एक अस्थमा पेशेंट रहता है जिसके पास ऑक्सीजन टैंक और मास्क है। वो गहरी सांस लेकर पाइप की मदद से नीचे जाता है। खिड़की तोड़कर वो उस घर के अंदर चला जाता है जहां उसको वो आदमी मरा हुआ दिखाई देता है। मैथ्यू की सांस जैसे ही टूटने वाली थी उसको एक ऑक्सीजन टैंक और मास्क मिलता है। अपने घर पहुंचकर वो बैटरी बदल देता है और अपनी बेटी से कहता है कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो बाहर की स्थिति देखने के लिए जाता है। सड़कों पर कई लोग मरे हुए हैं। उसको सेना के लोग देखते हैं जो बचाव का काम कर रहे हैं। एक सैनिक मैथ्यू को एक बेहतर मास्क देता है और उसको उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू बताता है कि उसको उसकी बेटी की जान बचानी पड़ेगी। ये सुनकर वो सैनिक उसको एक मास्क और देता है। अगले दिन वो देखते हैं कि सरकार की तरफ से अभी कुछ किया नहीं जा रहा है और वो गैस तेजी से बढ़ रही है। वो सोचते हैं कि वो सैरा की दोस्त के घर चले जाएं, क्योंकि उसका घर पहाड़ों पर है और उसे भी वही बीमारी है जो सैरा को है, और सैरा उसकी दोस्त के कैप्सूल में रह सकती है। लेकिन सैरा को वहां ले जाने के लिए उन्हें एक सील्ड सूट की जरूरत पड़ेगी और वो दोनों इस सूट को ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक कुत्ते से होता है जो उनके पीछे लग जाता है। रोशनी की कमी की वजह से मैथ्यू गलती से एक नदी में गिर जाता है। वो कुत्ता एना का पीछा करने लगता है और वो एक बस में चली जाती है जहां कुत्ता भी चला जाता है। लेकिन कुत्ते का पट्टा एक सूटकेस में फंस जाता है और एना खिड़की से कूद जाती है। वो मैथ्यू को ढूंढना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान बचाने सील सूट को पहले ढूंढना होगा। सौभाग्य से मैथ्यू बच जाता है और वो नदी से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों मिलते हैं और वो एक लैब में जाते हैं। उन्हें वहां सील सूट मिल जाती है, लेकिन जब वो बाहर जा ही रहे होते हैं एक विस्फोट होता है और मैथ्यू के कपड़ों पर आग लग जाती है। एना आग बुझाने आती है, लेकिन मैथ्यू की ऑक्सीजन ट्यूब आग की वजह से नष्ट हो गई है। अब उनको एक ही ऑक्सीजन टैंक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सील सूट को लेकर छत पर कुछ समय के लिए आराम करने जाते हैं। मैथ्यू बुरी तरीके से जल गया है। कुछ देर बाद वो घर जाने तैयार होते हैं, लेकिन बची हुई ऑक्सीजन 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। मैथ्यू एना को कहता है कि उसको वो सील सूट लेकर घर जाना चाहिए। एना उसको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन उनकी बेटी के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। एना घर की ओर चली जाती है और मैथ्यू घरों की छत पर चढ़ते हुए अपने घर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में वो एक पार्किंग लॉट की छत पर पहुंचता है जहां उसे खून के धब्बे दिख रहे हैं। उसे एहसास होता है कि यहां किसी का कत्ल हुआ है। वो वहां छानबीन करने लगता है और उसे तभी एक ऑक्सीजन टैंक दिखाई देता है। मैथ्यू जल्द ही उसको पहन लेता है और घर जाने के लिए तैयार होता है। अचानक एक पुलिस वाला वहां आता है और लग रहा है कि यही कत्ल है। वो मैथ्यू को मास्क नीचे करने के लिए कहता है और अपनी गन निकालने लगता है। मैथ्यू ऑक्सीजन टैंक को ऑन कर लेता है और पुलिस वाले को पकड़कर छत से कूद जाता है। बिना मास्क के वो पुलिस वाला जल्द ही जहरीले गैस की वजह से मर जाता है। एना घर के पास लगभग पहुंच ही गई थी, लेकिन उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया है। एना मास्क निकालकर अपनी सांस को रोकते हुए उस सूट को सीढ़ियों से खींचते हुए लेकर जाती है। आखिरकार वो उस गैस से बच जाती है, लेकिन जब वो बॉक्स को खोलती है तो पता चलता है कि विस्फोट के कारण सूट बहुत ज्यादा नष्ट हो गया है और इसके बिना उसकी बेटी का बच पाना नामुमकिन है। सील्ड कैप्सूल की बैटरी दोबारा खत्म होने वाली है और उसे बैटरी बदलने तुरंत जाना पड़ेगा। बिना मास्क के वो एक गहरी सांस लेकर नीचे भागने लगती है। बैटरी खत्म हो गई है और वो गैस कैप्सूल के अंदर जाने लगी है। एना वहां पहुंच जाती है और बैटरी बदल देती है। कैप्सूल से अब वो गैस बाहर चली गई है। सैरा अपनी माँ से पूछती है कि उसका मास्क कहाँ है। एना कुछ बता नहीं पाती है और अपनी इच्छा के बिना वहां से उसको जाना पड़ता है। कुछ घंटों बाद मैथ्यू घर पहुंचता है और जब वो सीढ़ियों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि एना की मौत हो गई है। उसने अपनी बेटी को बचाने अपना जीवन दे दिया है। जब सैरा अपनी माँ के बारे में मैथ्यू से पूछती है तो वो इसका जवाब नहीं दे पाता है। मैथ्यू यहाँ से निकलने की योजना बनाता है और अचानक भूकंप दोबारा होने लगी है और अब वो गैस और भी तेजी से बढ़ने लगी है।
मैथ्यू को याद आता है कि उसने एक वैन देखी थी जिसमें गैस से बचने के लिए सूट मौजूद थी। वो उस बुजुर्ग आदमी से कहता है कि वो सूट ढूंढने जा रहा है और जल्द ही लौटकर वो सबको यहाँ से बाहर निकाल लेगा, लेकिन वो बुजुर्ग हंसते हुए मना कर देता है और कहता है कि भगवान उसके और उसकी बीवी के लिए काफी दयालु थे और अब उनका जाने का समय आ गया है। वो बुजुर्ग दंपत्ति बेड पर लेट जाते हैं और अपने अंत का इंतजार करने लगते हैं। मैथ्यू को सूट मिल जाती है और वो घर जल्दी पहुंचने के लिए एक स्कूटर को चालू कर लेता है, लेकिन एक लड़का रास्ते पर आ जाता है और उसको बचाने के लिए मैथ्यू स्कूटर मोड़ लेता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लग गई है और वो दर्द असहनीय है। वो वॉकी टॉकी से अपनी बेटी को कॉल लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक दो लोग बिना मास्क के चलते हुए दिखाई देते हैं और पता चलता है कि ये सारा और उसकी दोस्त है और इन दोनों को उस बीमारी की वजह से उस गैस से कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मूवी के अंत में मैथ्यू जाकर खुद को सारा के कैप्सूल में पाता है और सारा उसका देखभाल कर रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।